स्वच्छता ही सेवा का संकल्प लेकर एनडीआरएफ ने विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर सफाई अभियान चलाया है। एनडीआरएफ की ओर से जिले में भारत सरकार के निर्देश पर स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज अजमेर के जेनल अस्पताल में एनडीआरएफ के जवानों ने स्वच्छता का संदेश देते हुए विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर सफाई की और लोगों से गंदगी न करने और सफाई रखने का आह्वान किया गया। एनडीआरएफ की ओर से अजमेर में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर एनडीआरएफ के जवान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ साथ सफाई भी कर रहे हैं। हम लोग नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की एक टीम है जो श्री राकेश सिंह जून कमांडेंट 6वीं बटालियन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की ये टीम यहाँ स्वच्छता ही सेवा कैंपेन में जुटी हुई है, जिसके दौरान हम 1 दिसंबर 2019 में 15 दिसंबर 2019 तक लगातार 15 दिन हमारा स्वच्छता ही सेवा ये कैंपेन रहेगा। इसमें हम जगह जगह पे जाके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ साथ पब्लिक प्लेसेस में जाके वहाँ पे सफाई अभियान करते हैं, लोगों को मैसेज देते हैं कि अपने आसपास सफाई रखें, गले मोहल्ले को साफ रखें और एक ऐसी स्वच्छ माहौल पैदा करें जिससे कि बीमारियां दूर रहें और इनके दुष्परिणामों के बारे में लोगों को अवगत कराते हैं। साथ ही साथ हम लोग वहाँ आसपास के एरिया को साफ करते हुए लोगों के आसपास जहाँ जल भराव की जगह उनको भी साफ करते हैं। इसके साथ ही साथ लोगों को ये भी बताते हैं कि वहाँ पे जो पोलोथीन्स हैं, वन टाइम यूज़ प्लास्टिक हैं, उनका ना यूज़ करें, ऐसी चीज़ें में उनको अवगत कराते हैं। ये हमारा कैंपेन में शामिल।